हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर एज अ जनरल स्टूडेंट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाह रहे हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड प्रमोशन जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ PCOM या PCCM, जो कि एक IRTS ऑफिसर होते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल को हम डिस्कस करेंगे। इस जॉब प्रोफाइल को हम जनरली चार पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कहते हैं हिंदी में हम। सेकेंड पॉइंट रहेगा डेजिग्नेशन या पदनाम। थर्ड पॉइंट रहेगा वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। फोर्थ पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह एवं पर्क्स या सुविधाएं, सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। जो पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट या नियुक्ति, उसमें हम जानेंगे PCOM या PCCM बस वही रेल अधिकारी बन सकते हैं जो सीधे UPSC CSE की परीक्षा से चयन होकर आते हैं। एज यू नो, UPSC CSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसी से जो IRTS नियुक्त होते हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के जो ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं, वही PCOM या PCCM बन सकते हैं। ग्रुप सी के कर्मचारी भी डिपार्टमेंटल या विभागीय एग्ज़ाम परीक्षा देकर भी ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर्स बन सकते हैं। एज यू नो, LDC के जो स्कीम है उसके तहत जो ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर्स बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके। लेकिन जो ग्रुप सी के कर्मचारी ग्रुप बी अधिकारी बने हैं वह STS या JAG तक ही पदोन्नत हो पाते हैं। जी दोस्तों, जो ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर्स बनते हैं प्रमोशन से या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से, वह या तो सीनियर टाइम स्केल्स के ऑफिसर बन पाते हैं या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स तक ही प्रमोट हो पाते हैं। मात्र IRTS ऑफिसर ही PCOM या PCCM बन सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो IRTS ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो ही PCOM या PCCM बन सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आप देखोगे जो DRM या ADRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर या ADRM होते हैं, वह पर्सनल सर्विसेज से भी आ सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी आ सकते हैं और IRTS सर्विसेज से भी आ सकते हैं। लेकिन जो PCOM या PCCM है वह एकमात्र IRTS से ही आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा डेजिग्नेशन या पदनाम। जो रेल अधिकारी UPSC CSE परीक्षा देकर आते हैं वह ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स या Class 1 गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं। एज यू नो, यदि आप प्रमोट होके जाते हो तो आप ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स होते हो, और डायरेक्ट आप UPSC से आते हो तो ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स या Class 1 ऑफिसर्स कहलाते हो। जो ग्रुप सी से पदोन्नत प्रमोट होकर ग्रुप बी रेलवे अधिकारी बनते हैं वह ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स या Class 2 ऑफिसर्स कहलाते हैं। IRTS, PCOM, PCCM का पद रेलवे डिवीज़न में नहीं होता। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि जो DRM या ADRM की पोस्ट है वो लास्ट है डिवीज़न में, उसके बाद ये PCOM या PCCM बन जाते हैं, और डिवीज़न के अंदर PCOM या PCCM के इक्वलेंट या बराबर कोई पद है ही नहीं, यानी ये एकमात्र पद जोन में है। IRTS, PCOM या PCCM का पद रेलवे के जोन में होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिवीज़न में इसके इक्वलेंट कोई पोस्ट ही नहीं है, कोई पद नहीं है, यह एकमात्र जोन के अंदर पोस्ट या पद है। यदि PCOM या PCCM की पदस्थापना रेलवे बोर्ड में होती है तो इन्हें एडवाइज़र के पद पर पदस्थापित किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, रेलवे डिवीज़न होता है, रेलवे में जोन होता है और रेलवे में बोर्ड होता है। यदि आपकी पोस्टिंग डिवीज़न में होती है तो PCOM के इक्विवेलेंट तो कोई पोस्ट है नहीं, यदि आपकी जोन में पोस्टिंग होती है तो आपको PCOM या PCCM के पद से जाना जाएगा, और यही आपकी पोस्टिंग यदि रेलवे बोर्ड में हो जाती है तो आपको एडवाइज़र के नाम से जाना जाएगा या एडवाइज़र के पद पे आपको पद स्थापित किया जाएगा। PCOM का फुल फॉर्म प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर होता है, हिंदी में इन्हें प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो IRTS होते हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के ऑफिसर, उसमें आप ACM या AOM बनते हो स्टार्टिंग के अंदर एज अ प्रोबेशनरी। जैसा कि मैंने आपको ACM और AOM की वीडियो में बता रखा है, ACM स्टैंड फॉर असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर और AOM स्टैंड फॉर असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर। वहीं से इनकी जो हायरार्की वो स्टार्ट हो जाती है, ACM फिर DCM बनते हैं, सीनियर DCM बनते हैं, DRM ADRM बनते हैं, फिर ये बन जाते हैं PCCM। और जो ऑपरेशंस की फील्ड है, IRTS के जनरली दो पार्ट्स हैं, एक तो ऑपरेशन है, कमर्शियल। कमर्शियल वाले ACM, DCM, सीनियर DCM, वैसे ही जो ऑपरेशंस वाले हैं वो AOM, DOM, सीनियर DOM, देन PCOM। वैसे ही जो PCOM है, इनका पूरे जोन को हैंडल करने का काम होता है, जो भी ऑपरेशंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो PCOM हैंडल करते हैं।
वैसे ही PCCM का फुल फॉर्म प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होता है। हिंदी में इन्हें प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऑपरेशन पार्ट है, सेकंड पार्ट है कमर्शियल। IITS के अंदर ये जो दूसरा पार्ट है कमर्शियल, वैसे ही ये ACM, DCM, सीनियर DCM और फिर PCCM बनते हैं। जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है पूरे जोन के अंदर, जोनल लेवल पर PCCM हैंडल करते हैं। थर्ड पॉइंट में जानेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। PCOM या PCCM HAG के ऑफिसर्स या अधिकारी हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हायरार्की होती है सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स की, उनकी ऐसे चलती है जूनियर टाइम स्केल, फिर सीनियर टाइम स्केल, फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, फिर सिलेक्शन ग्रेड। वैसे ही जो PCOM या PCCM है, ये हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स हैं या अधिकारी हैं। PCOM का कार्य पूरे जोन में परिचालन संचालन करना होता है। जो भी ऑपरेशंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो PCOM संभालते हैं। PCCM का कार्य पूरे जोन में वाणिज्यिक संचालन करना होता है। जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है पूरे जोन के अंदर, वो PCCM हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं। PCOM PCCM की यदि कुल सेवा, यदि PCOM PCMM की जो ऑफिसर्स हैं उनकी IITS में टोटल सर्विस यदि 32 to 34 सर्विस ईयर्स ऑफ सर्विस हो जाती है, या 32 से 34 इनकी कुल सेवा हो जाती है IITS के अंदर, रेलवे के अंदर, तो यह HAG प्लस में प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद यह जोन में GM बन जाते हैं। जो दोस्तों, यदि इनकी टोटल सर्विस 32 to 34 सर्विस ईयर्स हो जाती है, तो फिर ये HAG प्लस हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्लस में प्रमोट हो जाते हैं और यह जोन के अंदर GM स्टैंड फॉर जनरल मैनेजर बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। सभी रेल अधिकारियों की तनख्वाह मूल वेतन पूरे देश में एक समान होती है। एज यू नो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो बेसिक पे रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगी। मैट्रिक्स पे L15 रहेगा 7 CPC का। ग्रेड पे नील रहता है, और वैसे भी यदि ग्रेड पे एप्लीकेबल भी है तो भी वो 7 CPC में तो मिलेगा नहीं, लेकिन ग्रेड पे को और जो पे बैंड है उसको हम मैट्रिक्स लेवल या फिर बेसिक पे के लिए निकालने के लिए यूज़ करते हैं। पे बैंड रहेगा 67,000 to 79,000, ये 6 CPC के अकॉर्डिंग चलता है। 7 CPC में इन दोनों का कोई रेलेवेंस नहीं है, ना ही ग्रेड पे का ना ही पे बैंड का, लेकिन ग्रेड पे और पे बैंड की हेल्प से हम पे मैट्रिक्स या बेसिक पे निकाल सकते हैं। अब हम सैलरी जानेंगे। मूल वेतन या बेसिक पे रहेगी 182,200 1,82,200 rupees। फिर DA या महंगाई भत्ता, जिसे DA स्टैंड फॉर DNS अलाउंस, 17% मिल रहा है अभी, 31,000 rupees DA मिलेगा। और ये DA फ्रीज हो चुका है, अगले 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट उसके बाद ही बढ़ेगा। DA का मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं DA क्या होता है, और DA फ्रीज का भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिर TPTA स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो ऑफिसर को मिलता है अपने घर से अपने ऑफिस या जहाँ भी उनका पर्सनल ऑफिस है वहाँ जाने के लिए, तो TPTA यूजुअली 4,200 rupees मिलता है, 4,200 rupees। और जो ग्रॉस सैलरी बनती है एक PCOM या PCCM की, वो बनती है अराउंड 2,18,000, कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कुछ स्टेट में वेरी हो सकता है बिकॉज ऑफ TPTA, यानी यदि आपकी पोस्टिंग हायर TPTA सिटीज़ के अंदर है तो आपका TPTA डबल हो जाएगा, और यदि लोअर TPTA सिटीज़ में है तो आपका TPTA 42 एज इट इज़ रहेगा। और जो डिडक्शंस होते हैं PCOM या PCCM के, वो होते हैं अराउंड 33,000 to 33,000 rupees के, उसमें हम जानेंगे। PF में कंट्रीब्यूट करते हैं 15,000 rupees, प्रोविडेंट फंड में 15,000 rupees कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर प्रोफेशनल टैक्स है, वो 250 to 300, कई जगह 200 डिडक्ट होता है, ये डिपेंड करता है स्टेट पे, स्टेट ये चार्ज करती है। फिर होता है इनकम टैक्स, एज यू नो बड़ा फेमस है इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम है ग्रॉस सैलरी उस पर आपको इनकम टैक्स देना होता है, वो 17,000 के अराउंड डिडक्ट होता है। फिर आपके RESA रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स, ये 36 rupees डिडक्ट होते हैं। और जो एक नेट सैलरी बनती है PCOM या PCCM की, वो बनती है अराउंड 1,85,000। इट कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बिकॉज ऑफ द डिडक्शंस, यू कैन क्लेम मोर डिडक्शन इन इनकम टैक्स विद द हेल्प ऑफ ATC CD 1B एंड ऑल। तो जो सैलरी है वो अराउंड 1,85,000 बनती है, 2,000 to 4,000 rupees का डिफरेंस हो सकता है। अब फोर्थ का जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम जानेंगे पर्क्स या फैसिलिटीज़ टू PCCM या PCOM। जो PCCM है या जो PCOM है उनमें सरकार क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट बंगलो, जहां जिस भी जोन में इनकी पोस्टिंग है वो जोन का जो भी हेडक्वार्टर रहेगा तो वहां पे इनको गवर्नमेंट बंगलो या सरकारी बंगला मिलेगा। फिर गवर्नमेंट व्हीकल मिलेगा, सरकारी गाड़ी। फिर ड्राइवर मिलेगा, वो भी इंडियन रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर रेलवे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी,
रेलवे मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर जो भी रेलवे के एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ में जो जोनल हॉस्पिटल्स हैं या डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं या ऑल ओवर जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे ये अपनी रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी रिम्बर्स करवा सकते हैं या ले सकते हैं। फिर फ्री पासेस मिलेंगे ऑल ओवर द इंडिया, इनको फ्री पासेस मिलते हैं और वो भी जो है टीयर वन या फिर फर्स्ट एसी हम जिसे कहते हैं उसके फ्री पैसेज इनको मिलते हैं और जो भी इनके डिपेंडेंट्स हैं उनको भी। फिर स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है, स्पेशल सिक्योरिटी यानी जो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर्स लेवल के ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। फिर पर्सनल ऑफिस होता है, जैसा कि आपको मालूम है डीआरएम का डीआरएम ऑफिस होता है वैसे ही जीएम और पीसीओएम पीसीसीएम का भी पर्सनल ऑफिस होता है कोई भी जोन के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।